नमस्कार, मैं हूं संजय वरोदिया और आप देख रहे हैं दोंदरा एक्सप्रेस न्यूज। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने संयुक्त रूप से पैदल फ्लैग मार्च निकाला। खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले के देवरी से है। आगामी धार्मिक त्यौहार ईद एवं रक्षाबंधन के त्यौहार को देखते हुए पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन ने संयुक्त रूप से नगर के मुख्य मार्गों से होकर पैदल फ्लैग मार्च निकाला। विश्वव्यापी कोरोना वायरस जैसी महामारी को ध्यान में रखते हुए स्थानीय प्रशासन ने ईद एवं रक्षाबंधन जैसे राष्ट्रीय त्यौहार के अवसर पर इस महामारी से बचने के लिए नगर की मुख्य सड़कों से फ्लैग मार्च निकालकर जनता को शासन के निर्देशों का पालन करने के लिए मार्च निकालकर सोशल डिस्टेंस, मास्क का उपयोग करने एवं भीड़भाड़ न करने का संदेश दिया। शासन की गाइडलाइन का पालन न करने वैधानिक कार्रवाई करने की चेतावनी दी। फ्लैग मार्च में मुख्य रूप से SDM RK पटेल, SDOP अजीत पटेल, तहसीलदार यशवंत कुल्हाड़ा, थाना प्रभारी कृपाल सिंह मार्को, नायब तहसीलदार सुजाता विश्वकर्मा, साहू इंजीनियर ASI धनेन्द्र यादव एवं संपूर्ण शासन प्रशासन के अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। दूसरी खबर जनपद देवरी से है। जनपद उपाध्यक्ष महेंद्र पटेल ने सौंपा ज्ञापन। नगर पालिका द्वारा सब्जी विक्रेताओं की सब्जी वाहन में भरकर फेंकने से हुआ भारी नुकसान। विगत दिनों स्थानीय प्रशासन द्वारा गरीब सब्जी वालों की सब्जी फेंकी गई थी, जिसके विरोध में लोगों में आक्रोश देखा गया है। यह खबर हमारे चैनल ने भी आप तक पहुंचाई थी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फैली भारी अव्यवस्थाएं। देवरी जनपद उपाध्यक्ष महेंद्र पटेल ने SDM देवरी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में विगत दिवस में नगर पालिका द्वारा फुटकर सब्जी विक्रेताओं की सब्जी नगर पालिका द्वारा शमशान घाट में फेंकी गई थी। इस कारण गरीब सब्जी बेचने वालों का भारी नुकसान हुआ। कोरोना जैसी महामारी के चलते गरीब मजदूर बेरोजगारी से तंग हैं। वहीं दूसरी ओर नगर पालिका द्वारा फुटकर ठेले पर सब्जी बेचकर अपना परिवार का गुजारा करने वाले गरीब मजदूरों की सब्जी फेंक कर भारी नुकसान पहुंचाया। ज्ञापन में जनपद उपाध्यक्ष महेंद्र पटेल ने सब्जी विक्रेताओं की हुए नुकसान को लेकर भरपाई की मांग की एवं सब्जी विक्रेताओं को एक उचित जगह पर सब्जी बेचने के लिए जगह सुनिश्चित करने की मांग की। वहीं दूसरी ओर एक अन्य ज्ञापन में जनपद उपाध्यक्ष महेंद्र पटेल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें गरीबों का समुचित इलाज एवं OPD समय से ना खुलने एवं OPD पर्ची के अनुसार मरीजों को स्टॉक से दवाइयां उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। मरीजों एवं परिजनों को परिसर में कैंटीन की व्यवस्था न होने के कारण मरीज एवं परिजन परेशान रहते हैं। उन्होंने देवरी धन्वंतरी अस्पताल की व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा नियमानुसार सुचारू रूप से चालू प्रारंभ करने की मांग की है। जब आज जो आपने नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है SDM साहब के नाम पर, क्या है, किस संबंध में सौंपा? इसमें देवरी में नगर पालिका द्वारा परसों के दिन जो सब्जी के ठेले उठा के और सारी चीज़ें सब्जी उठा के जो है मरघटा शमशान में फेंक दी, उसको उसकी भरपाई कौन करेगा? शासन द्वारा की जाए या नगर पालिका द्वारा, या उनको दुकानदारों को एक जगह सुनिश्चित कर दी जाए तो वो वहाँ लगाएं। अब नगर में तो दुकान लगाएंगे, सब्जी प्रतिपाल करते मजदूर लोग हैं, बेचारे गरीब लोग हैं, तो ये प्रशासन की जवाबदारी है कि या तो उन्हें जगह सुनिश्चित करें। इस टाइप की सम्मानजनक असम्मानजनक उनकी बेइज्जती ना करें कि आपने प्रशासन से लठ भी मार रहा है, उनकी सब्जी भी फेंक रहे हैं, इस टाइप का नहीं चलेगा। और इस टाइप के कृत्य आगे होंगे तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे। इसी में दूसरा स्वास्थ्य विभाग में जो अनियमितताएँ हैं, ना वहाँ मीनू एक आपका कैंटीन रहती है, मरीजों को ना चाय ना सुबह जो सरकार द्वारा वहाँ धन्वंतरी अस्पताल में सुविधाएं हैं वो शासन द्वारा वहाँ संचालित नहीं की जा रही। BMO साहब की लापरवाही या डॉक्टर जो पदस्थ हैं उन लोगों की लापरवाही, ना वहाँ व्यवस्थित स्वीपर वगैरह तमाम चीज़ें, मतलब टोटल अव्यवस्थाएँ हैं। हम लोग वहाँ देखते हैं तो अव्यवस्थाओं को देख के और शासन की योजनाओं को स्वास्थ्य के प्रति जो चिंता है उसकी ये लोग खुलेआम मजाक बनाए हुए हैं। भाई साहब, आपने ज्ञापन के माध्यम से क्या मांग की है SDM महोदय से?
प्रशासन द्वारा उसकी व्यवस्थाओं में देख रेख की जाए कि भाई अस्पताल में क्या सुविधा है, क्या असुविधा है, क्या दवाई के नाम पर क्या व्यवस्थाएँ हैं वहाँ, क्या नहीं है, स्टॉक पंजी वहाँ सामने चस्पा की जाए, मेनू अनुसार उनको जो कैंटीन द्वारा जो सुविधाएं हैं वो भी वहाँ चस्पा की जाए, ताकि गरीब लोग जो वहाँ इलाज के लिए जाते हैं उन्हें ये पता रहे कि हमारा ये अधिकार है। वहाँ किसी से पूछने पे लोगों को कुछ जानकारी नहीं दी जाती है और लोग परेशान हैं। इन अव्यवस्थाओं का SDM द्वारा इनकी सुचारू रूप से व्यवस्थाएँ की जाएँ, और अगर SDM द्वारा नहीं की जाती हैं तो इसको आगे हम लोग बढ़ाएंगे। चूँकि हम आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में नई खबरों के साथ। देखते रहिए दोनराय एक्सप्रेस न्यूज़। नमस्कार।